तो भैया दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत ने ना 2022 में लगभग बराबरी मैच खेले हैं, लेकिन सिंस दोनों की खेलने की पोजीशन अलग अलग है तो रन्स के बेसिस पे तो हम उन्हें कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्ट्राइक रेट के बेसिस पे जरूर कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों के स्ट्राइक रेट को कंपेयर करते हैं ना, तो दोनों का जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग बराबर ही है। इसे अगर हम दिनेश कार्तिक के नजरिए से देखेंगे ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें टीम में एज अ फिनिशर ही खिलाया जा रहा है। ऊपर से हार्दिक पांड्या का ना हर मैच में बहुत ही अच्छा फिनिश करना कार्तिक के प्लेइंग 11 में होने में क्वेश्चन मार्क लगाता है। और हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऋषभ पंत के जो स्टैट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उसके स्टैट्स भी बेकार हैं, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या फिनिशर का रोल इसी तरह करते हैं तो मैं ना उन्हें फिनिशर मान के ऋषभ पंत को टीम में देखना चाहूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यार ऋषभ पंत के साथ लेफ्ट हैंडर का भी एडवांटेज आता है।